हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह कवर करेंगे, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय सिंबल चिन्ह कवर करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो सीरीज चल रही है लूसेंट का विविध वाला पोर्शन कवर किया जा रहा है, उसमें आज का जो लेक्चर होगा प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर होगा। इसके पहले हमने लूसेंट के विविध से बहुत से लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। तो यह लेक्चर जो है ये मेरे द्वारा दिया जा रहा है, माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। और आपको हमारी ये सीरीज अगर पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, निश्चित ही आपको पढ़ने में हमारे चैनल से मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते देरी ना करते हुए प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ है तो याद रखना, ये अशोक स्तंभ है। तो देखिए, एक नोट है उसको देख लेते हैं अच्छे से। अशोक स्तंभ के बारे में अच्छे से देखेंगे, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। भारत ने अशोक के स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, यानी नेशनल एम्बलम के रूप में अपनाया गया। तो ये वाले फैक्ट को समझिए, पूरा अशोक स्तंभ है तो उस अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग को, जो ऊपर वाला भाग है, शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। तो राष्ट्रीय प्रतीक क्या है अपना? अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ पूरा बड़ा है तो उसमें से शीर्ष भाग को, समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको अच्छे से देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक को, हमारा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक को अच्छे से देखते हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं तो उसको कवर कर लेते हैं पहले। तो ये है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए वहां क्या लिखा हुआ था, अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। तो ये शीर्ष भाग है, ये पूरा अशोक स्तंभ है, ऊंचा, अच्छा ऊंचा ये। तो देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो अशोक स्तंभ को 250 BC में अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? 250 BC में अशोक ने बनवाया था। एक क्वेश्चन ये, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, ये भी याद रखना है। इसमें देखिए, इसमें भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। तो देखिए, इसमें भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हुए हैं। और ये जो स्तंभ है इसमें चार शेर है, याद रखना है, चार शेर है, पीठ से पीठ सटाए चार शेर खड़े हैं। तो ये भी याद रखना है। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ है, ये अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ है, चार शेर है तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ है। तो ये भी याद रखना है, इससे एक और इंपॉर्टेंट देखिए, यहां से देखिए, इसके बाईं ओर पे दौड़ता हुआ घोड़ा है और इसके दाहिने ओर पर एक सांड है, और इसके उस तरफ में एक हाथी है। तो तीन चित्र मिलते हैं इसमें, एक दौड़ते हुए घोड़े का चित्र, हाथी का चित्र और एक सांड का चित्र। तो ये भी यहाँ से, और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो ये भी आपको जानकारी। और इसे 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। तारीख आ सकती है, 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। इसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है केवल सच्चाई की विजय होती है। तो ये भी आप देख सकते हैं। अशोक स्तंभ कहाँ पर है? सारनाथ में है, सारनाथ में है, यूपी में। तो याद रखना है, सारनाथ यूपी में है। और इसके आधार, देखो इसका आधार है, इसके आधार के मध्य भाग में अशोक चक्र है जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद पट्टी में रखा गया है। और इसमें 24 तीलियां होती है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, एक अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं, तो ये भी एक यहां से क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद धर्म चक्र है, एक प्रकार का धर्म चक्र, तो यहां से लिया गया है तिरंगे झंडे में। तो कहां पर है? ये सारनाथ में है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है
अधिकांश मुद्राओं और सिक्कों पर आपको मिले देखने को मिलेगा ये, और भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो इतने क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। 250 BC में बनवाया था अशोक ने। और भारतीय सिंह, याद रखें चार शेर है इसमें, भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं, पीठ से पीठ सटाए चारों दिशा में खड़े हैं। और ये इसके शीर्ष भाग को, तो ये बहुत ऊंचा था, सारनाथ में है ये बहुत ऊंचा है, तो इसके ऊपर का जो ये शीर्ष भाग है, ऊपर के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। तो यहाँ से भी आपको ये बता दिया मैंने, जो भी इन्फॉर्मेशन है, ये दौड़ते हुए घोड़े का चित्र है बाईं ओर, और दाहिने ओर एक सांड है, और एक और चित्र है इसमें हाथी है। तो इससे इतना ही, 24 तीलियां हैं। आगे चलते हैं। तो भारत ने अशोक के स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, इफेक्ट होता है। आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है चांद और तारा। तो याद रखना है, चांद और तारा तुर्की का है, आ सकता है पेपर में। तुर्की का क्या है? चांद और तारा। ट्रिक नहीं बता रहा हूं यहां पे। डेनमार्क देश है एक, डेनमार्क देश है, समुद्री तट, इसका राष्ट्रीय चिन्ह है समुद्री तट। तो याद रखना है डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में है, नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क तो वहीं पे है ये देश। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है समुद्री तट। नॉर्वे का है शेर, इंपॉर्टेंट है, नॉर्वे का शेर है, याद रखना है शेर। बांग्लादेश का इंपॉर्टेंट है वाटर लिली, एक फूल होता है लिली जो वाटर में खिलता है, तो उसको वाटर लिली कहा गया। तो वाटर लिली बांग्लादेश का इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रांस का सिर्फ लिली है, फ्रांस का पूछा जाएगा तो लिली, फूल होता है एक लिली, तो फ्रांस का लिली। नीदरलैंड का इंपॉर्टेंट है शेर, देखिए नीदरलैंड और नॉर्वे का क्या है? शेर है, तो दोनों का याद रखना है। देखो ईरान और यूके, यूनाइटेड किंगडम, ईरान और यूके का गुलाब का फूल है, तो दोनों याद रखें साथ में। यूके का क्या है? गुलाब का फूल राष्ट्रीय चिन्ह, और ईरान का भी गुलाब का फूल है ये। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। स्पेन का ईगल है, याद रखना है, स्पेन का ईगल राष्ट्रीय चिन्ह है ईगल। और यूएसए का क्या है? गोल्डन रॉड, तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। यूएसए का यानी अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है करके आ सकता है? गोल्डन रॉड। फूलों के पौधे होते हैं ये, एक प्रकार का फूल है। गोल्डन रॉड क्या है? एक प्रकार का फूल है और फूलों के पौधे हैं, तो ये पौधा याद रखना है, गोल्डन रॉड। जापान का क्या है? गुलदाउदी फूल है, एक प्रकार का फूल है गुलदाउदी, नीलकमल जैसा फूल होता है, नीलकमल की प्रजाति के टाइप का फूल है जापान का, तो याद रखना है। फूलों का पौधा। उसके बाद आगे चलते हैं इटली की सफेद लिली है, सफेद कलर का फूल होता है, सफेद लिली याद रखना है। कनाडा का है मैपल लीफ, एक पत्ती होती है मैपल लीफ, तो याद रखना है पत्ती है ये मैपल लीफ। ऑस्ट्रेलिया का है वेटल। वेटल क्या है करके क्वेश्चन आ सकता है? वेटल एक प्रकार का वृक्ष है, उसमें फूल खिलता है, तो उसको बोला गया है। रूस का क्या है? डबल हेडेड ईगल रूस का है। न्यूजीलैंड का तो जानते हैं, कीवी इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। और यह सदर्न क्रॉस ये भी है यहाँ का चिन्ह। और फर्न क्या है? ये फर्न सोपत्ती है, पौधा एक प्रकार का सोपत्ती का पौधा, तो ये फर्न सोपत्ती का पौधा है। तो ये थे जो ही बता दिया मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे तुर्की का है, बांग्लादेश का है, यूके का है, यूएसए का है, तो ये जितने सभी याद रखिए, यहाँ से कुछ नहीं छोड़ने का है। तो ये लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ये लेक्चर से इतने प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह डिस्कस किए हमने। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा? और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, आगे के और लेक्चर आएंगे, मिलते हैं आगे के लेक्चर में। नमस्ते।